जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाए। जी सूफी साहब, आज का टॉपिक ये है कि प्यू रिसर्च के सर्वे के हिसाब से 2020 का जो सर्वे है उसके हिसाब से 1,20,00,000 मुसलमान अल्लाह पे यकीन रखते ही नहीं है, यानी मुर्तद हो गए हैं। अच्छा, ये है दुनिया वजह लगती है। आपसे सवाल ये है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में 50 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें से 10 लोग घर छोड़ के चले गए, ये कहकर के भाई ये घर जो है ना एकदम फालतू घर है, ये घर वाले से मेरे को जो है ना बिल्कुल नफरत है, वो निकल गए। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई क्या वजह लगती है, तो कुछ ना कुछ तो वजह आप बताएंगे ना। आपको समझ में आया होगा कि ये अगर यानी सही होके गए हैं या गलत होके गए, जो भी गए, लेकिन ये बुनियादी वजह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली के 10 लोग निकल गए घर से, ये कहकर के मुझे घर पसंद ही नहीं। हाँ, उसी तरीके से अगर 1,20,00,000 जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर इनका अल्लाह पे से यकीन बिल्कुल हट गया है या है ही नहीं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? यार मेरे सामने कोई मुसलमान नहीं गया इस्लाम छोड़कर, तो हम कैसे बताएं कि उसकी क्या वजह हो सकती है। आप जैसे अगर मेरे सामने आपने कभी कहा था कि हम इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको खुदा की जरूरत नहीं महसूस होती, तो हो सकता है आपके जैसे भी और भी लोग सोचते होंगे ये बात कि उनको भी खुदा की कोई जरूरत नहीं महसूस होती, छोड़ गए होंगे। ओके, ये जहां तक मैंने खुदा मिली, खुदा के नहीं होने का इनकार नहीं किया है ना मैंने, या खुदा पे यकीन नहीं, जरूर नहीं किया। बिल्कुल आपने ना होने का इनकार नहीं किया है, आप एग्नोस्टिक है उस मामले में कि आपको नहीं पता भाई है कि नहीं है, लेकिन हमें जरूरत नहीं महसूस होती इसके बगैर ही मेरी जिंदगी चल रही है, तो हम क्यों ईमान इसे इस्लाम पे या किसी, तो उनको अल्लाह पे से यकीन हट गया है क्योंकि वो समझते है कि अल्लाह के होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक वजह ये है। ठीक है, और कोई वजह तो हमें नहीं समझ में आ रही अभी तक। अच्छा, और कोई वजह समझ में नहीं आई, मैंने जो वजह बताई थी बस एक ही वजह समझ में आई। आपकी भी वजह हमको ये नहीं कह रहे कि हमें लॉजिकल लगती, हम बस बता रहे हैं कि आपने एक वजह देखी इस्लाम छोड़ा है, तो हो सकता है कुछ लोग आपके चले होंगे और क्या। हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक ही वजह नजर आती है। हाँ, अभी तक तो एक ही समझ में आ, उनको उनको रोकने के लिए, ताकि और अभी जो 1,20,00,000 निकले हैं ऐसे और 1,20,00,000 ना निकल जाए, उसके लिए क्या आप मेहनत कर रहे हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार देखो, हम अपनी जाती तौर पे तो कोई कुछ मेहनत खास कर नहीं रहे, ठीक है, हमने तुमसे थोड़ी सी शुरुआत की है, देखते हैं कहाँ तक जाती। और रही बात की क्या उनको वापस इस्लाम में बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए, तो हम समझते हैं मुसलमान को अपना काम करना चाहिए दावत देने का, और दावत सबके लिए है, वो मुर्तद के लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए भी है, मुशरिक के लिए भी है, काफिर के लिए भी, तो उसी तरह उनको भी दावत देनी चाहिए। वो दावत लेने को तैयार हो तो ठीक है, ना तैयार हो तो उनकी मर्जी भाई। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि भाई जो छोड़ देता है वो छोड़ दे, कह देना, तो ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसके घर वाले खुद उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बॉयकॉट करना शुरू करते हैं, दोस्त जो है उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, और मोहल्ले वाले जो है उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभार नौबत जो है वो फिजिकल थ्रेट पे भी आ जाती है। तो अगर किसी के इस्लाम छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, उसका राइट है छोड़ना या पकड़ना, तो ये मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो इस तरीके का बर्ताव क्यों करती है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, अगर कोई इस्लाम छोड़, ये गलती कहां से आ रही है सूफी, ये गलती कहां से आ रही है हमें क्या मालूम, हम ये कट्टरता कहां से आ रही है हमें, हम नहीं बता सकते कहां से आ रही है। मुझे बताओ कि आपने कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे वो उनका राइट है,
उसको जो है आजादी होनी चाहिए। इस्लाम में मुर्तदों के लिए क्या सजा बताई है अल्लाह के रसूल ने? मुर्तद के लिए जो, कौन सा मुर्तद, जो छोड़ दे बस चला जाए या छोड़ के इस्लाम के खिलाफ बगावत करे? दोनों, दोनों की बता दे और दोनों की हदीस। अपने रास्ते जाता, जो छोड़ दे सिर्फ अपने रास्ते जाता है, उसके लिए तो कोई खास सजा है नहीं। ठीक है, कहां अल्लाह रसूल ने बताया है कि सिर्फ जो छोड़ दे? यार एक मिनट, यार एक मिनट, एक बताइए, वही बता, मेरा सवाल सुन ले पहले। जो इस्लाम छोड़ दे सिर्फ, ठीक है, उसके लिए मौत की सजा नहीं है, और जो इस्लाम छोड़ दे और इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो जाए, ठीक है, उसके लिए, और कैसे अगेंस्ट खड़े हो जाए, यानी बोलना छोड़ दे या तलवार लेके खड़े हो जाए, क्या पैरामीटर है पूरा? आप दलीलों के साथ। दोनों तरीके से। अच्छा, दोनों तरीके से मतलब? पहले मतलब एक चीज बताया, एक चीज अगर सिर्फ इस्लाम छोड़ दे तो उसके लिए मौत की सजा नहीं है, पहले ये कुरान से बताएं। कुरान की आयत भी है, और हुजूर के जमाने में मदीने में ये होता था कि यहूदी जो थे मुनाफिक, आप समझते हैं यार, हुक्म बताए ना, हुक्म बता, सुनो। नहीं नहीं, वो कौन सी मैं मिसाल देता हूँ, रुको, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल नहीं, मैं एक दलील देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, जैसे कि सुनाना नसाई की हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो, ठीक है। अब ये एकदम जनरल अल्लाह के रसूल ने बताई है जिसमें सारे मुर्तद आ गए, ठीक है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हुएवर टेक्स हिज रिलीजन, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है कि जो सिर्फ छोड़ दे उसको छोड़ दो लेकिन जो अगेंस्ट में खड़े हो जाए उसको कत्ल कर दो, ऐसा कोई स्टेटमेंट अल्लाह के रसूल ने दिया है? पहले ये बताओ। मैं तुझे अभी हजरत अली का तरीका बताता हूं क्या किया। ये देखो, तुमने ये साबित करना है कि ये लोग जिनको हजरत अली ने जलाया था, ये लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया था या इस्लाम के अगेंस्ट में आ गए थे? एक मिनट, ये देखो, सही अल बुखारी, इसको उर्दू में कर देता हूं, अली रजी अल्लाह अनु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनुहुमा को पहुंची तो इन्होंने कहा, अगर मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता। हालांकि जो अरबी है उसमें हाकिम का वर्ड है ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरह से सजा देता क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो, मैं इनको कत्ल कर डालता। क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, इसको कत्ल कर डालो। जी भाई, ये जो लोग हैं, जहां तक हम समझ रहे हैं ये जो हदीस है, ये असल में वो लोग थे जिन्होंने हजरत अली को खुदा करार दिया। और हाँ, मैं अच्छा किधर है इसकी, इसका एक मिनट भाई बेदीन हो गए वो लोग, हजरत अली को खुदा कैसे मानेंगे, वो तो बेदीन हो गए। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो वही जंदीक हो गए, जंदीक, और इसमें इंग्लिश में लिखा है एथियस्ट हो गए। ये देखो ये क्या लिखा है, एथियस्ट लोग जो है वो अली को खुदा क्यों मानेंगे भाई? नहीं, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, भाई हम आपको वाकया बता रहे हैं, इसका जो पस मंजर है वो हम आपको बता, पस मंजर आप बताए किधर से बताया आपने, पस मंजर हम आपको वही बता रहे हैं, ये पस मंजर रेफरेंस। ए फ्यू मिनट्स लेटर जी आपको आर्टिकल मिल गया, प्रेजेंट करते हैं हाँ, प्रेजेंट कर दें। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ भाई, ये है, ज़ूम करें इसको, ये क्या है, फतल बारी है? हाँ, फतल बारी है। अच्छा, फतल बारी है, कौन सा रेफरेंस है? ज़ूम करो ना उसको, थोड़ा ज़ूम करो, अब ठीक है, और थोड़ा करो, अब ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ से शुरू है. सो पीपल यूज टू वर्शिप आइडल्स इन सिटीज, गॉड इज मैसेंजर्स. सो कॉल एंड सेंड गो टू यू, व्हाट डू यू से? दे सेड यू आर आवर लॉर्ड एंड प्रोवाइडर. ये हजरत अली के पास उन लोगों को लेके आया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग आपको पता क्या है. दूसरी बात ये कहता है हजरत अली, गो टू यू आई एम बट अ स्लेव लाइक यू, हम तुम्हारी तरह सोते उठते हैं बैठते हैं. एक मिनट ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो और ऊपर करो, और ऊपर करो. हाँ, अबुल मुजफ्फर अल इसफराइनी क्लेम्ड इन अल मिलाय व अल नहल दैट दोस हुम अली हैड बर्न एट दिस स्टेक वर अ ग्रुप ऑफ रवाफिद हु क्लेम दैट ही हैड इट इज एन इल्यूजन ऑफ दी साबियंस एंड द चीफ अमंग देम वाज अब्दुल्लाह इब्ने सबा अजीब. देन ही रिवील्ड इस्लाम एंड इन्वेंटेड दिस आर्टिकल एंड दिस कुड बी द ओरिजिन ऑफ व्हाट. नीचे करो. We narrated in the third part of the hadith of Abu Tahir, which is sincere from the way of Abdullah ibn Sharik al-Amiri on the authority of his father said, it was said to Ali, there are people here at the door of mosque claiming that you are their Lord. So he called them and said to them, woe to you, what do you say? They said, you are our Lord, our creator, our provider. He said, woe to you, I am but a slave like you and I eat as you eat and drink as you drink. If I obey God, he will reward me, he will, and if I disobeyed him, I was afraid that he would punish me. So fear God and go back. So they refused. Aniche karo. Ha. By God, they went back to saying those words. He said, let them in. And they said, so when it was the third, he said, so if you say that, I'll kill you with the worst of killers. So they refused, but humiliation. He said, oh, Kambar, bring me workers with them. Pass them through. So make a groove for them between the door of the mosque and palace. He said, dig so. They were far away in the land and he brought the wood and threw it into the dug out by the fire and said, I will deal with you in it or you will return. But they refused to return in it until they were burned. He said, indeed, if I saw something reprehensible, I kindled a fire and called for Kambar. This is a good change for transmission. And as for what Ibn Abi Shayba reported via Qatada that Ali was brought with people from the tribe who worship and worship Na'ane. So he burned them. This is the chain of transmission is broken. If it is proven that it is based on another story. Then Ibn Abi Shayba also narrated it through a chain of narrators. Ayyub Ibn al-Nu'aym. Niche karo. Then a man came to him and said, there are the people here who live an idol, who have an idol in a house that they worship. A man said, let the house be set on fire against them. He's saying, Bizandaka. Bizay wa noon waqf is the plural of zindig with a broken first and second sukoon. Abu Hatim al-Sijistini and others said the heretics Persian is origin is Arabic. Zindig Kurdei says perpetuity of eternity because the zindig of life and the kud of work and it is called who is accurate looking into matters. हाँ ठीक है, ये पूरा तो बात का description है. उसमें से ये एक भी है. ठीक है, अगर इसका स्टार्टिंग में जाओ एकदम ऊपर, सबसे ऊपर ही. अच्छा नीचे करो. By response, it is sufficient at all. By response, is it sufficient at all, or is it necessary to ask for three? And are the three in a council, or in a day, or in 3 days? And on the authority of Ali, he should be asked for 1 month. And on the authority of Nakhai, he should be asked for never. Apostasy stems from it, and more will come to that in the first hadith when the heretics are mentioned. Then he mentioned two hadiths in the chapter. The first is saying Ayyub is Al Sakhtiani and Ikrima is the Mawla of Ibn Abbas. He say. Ali came upon me is the son of Abi Talib presented in chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad by Sufyan bin Uwaina on the authority of Ayyub with the chain of transmission that Ali burned some people. And I mentioned there that Al-Humaydi narrated it on the authority of Sufyan with the wording H enslavement of the apostates and from the face of another according to Ibn Abi Shayba people used to worship idols in secret. And according to Al-Tabrani, and in the middle of the way, on the way of Suwaid bin Ghafla, that Ali had informed him that a people had apostates from Islam. So he sent, he fed them, then called them to Islam, but they refused. So he dug a... dekhe na chalaki. Kitna chalaki hai insan. Haan, chalaki ye hai. Chalaki. Main bata raha hu na. Chalaki. Ruk ja bhai. Haan, bolige aap hi. Upar karo.
जब ये फतुल बारी वाला डिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उसने बताया है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है। उसमें से एक चीज ये है कि वहां के लोगों ने, ये देखो, अली हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ए पीपल हैड अपोस्टेसाइज फ्रॉम इस्लाम, सो ही सेंट ही फेड देम देन कॉल देम टू इस्लाम, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया गया, बट दे रेफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सो ही डग अ पिट देन ब्रॉट देम स्लैप देयर नेक्स एंड शॉट देम देन ही थ्रू फायरवुड ऑन देम एंड बर्न देम देन दे सेड गॉड एंड हिज मैसेंजर स्पोक द ट्रूथ। भाई यहाँ पे तो ये वाकया भी है कि ये जिनकी बातें हो रही है उन्होंने सिर्फ इस्लाम छोड़ा था, समझ गया। हाँ, दोनों वाक्य मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, दोनों वाकया है, दोनों वाक्य, देखिए एग्जैक्टली दोनों वाक्य मौजूद हैं और दोनों सही सही सनद से हैं, ठीक है? तो क्या जाहिर सी बात तो है, तुमने पहले दोनों ये क्यों वाक्य नहीं हैं, दोनों बताया सही जल्दी से? सनद, हमने दोनों बताया भाई, आपने जहां से नहीं, बोला हमने वहां से तुमने पकड़ के पूछा। चालाकी ये क्यों की कि तुमने अच्छा, ये वाली चीज आपने नहीं बताई जहां पे साफ साफ लिखा बता है कि उन्होंने काम छोड़ दिया था? नहीं, हम बताते हैं। देखिए, कोई इंसान अगर वो इस्लाम सिर्फ छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, तो भी मुर्तद है, ठीक है? और कोई अगर हजरत अली को खुदा माने तो वो भी तो मुर्तद ही हुआ ना, हाँ ना, तो अरे भाई मुर्तद मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ प्यारे भाई, अभी आते हैं। अब यहाँ पे ये फतुल बारी में दो चीजें आ गई, अब मुझे जो है अपना हथियार लाना पड़ेगा। दो चीज आई है उधर, एक चीज ये है उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, उनको अली ने इस्लाम के लिए बुलाया, की तरफ बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, उनको जला दिया, ठीक है? और एक एक किस्सा लिख दिया, अली को ही खुदा मान रहे थे, ठीक है? ठीक है, यहां पे ये जो पहला वाकया है, ठीक है, कि इस्लाम छोड़ दिया था, अगर ये वाकया सही है तो भी गलत है, ठीक है? क्योंकि कोई इस्लाम छोड़ देता है वो उनकी मर्जी है। यहां पे ये नहीं लिखा है कि वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए थे, ठीक ठीक है? है, बोल, ठीक है, ये बात सही हो गई इतनी कि इस आप बोल वाक्य के लीजिए अपनी अनुसार बात पूरी, फिर वो इस्लाम के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए थे, क्या नहीं, इसमें आप ये मानते कहीं पर हैं? मेंशन नहीं किया, इसमें ये कहीं पर मेंशन नहीं किया कि वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहे थे, तो मतलब नहीं खड़े मुर्तद। हुए थे, राइट? जब तक दोनों आप बातें लेके नहीं नहीं लिखी आते ना, ना प्रूफ कि तस्दीक वो है ना इस्लाम, इनकार, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे आप भाई भाई प्रूफ लेकिन अगर लेके आ आप रहे हैं, तुम सूफी सुनो, मेरी सूफी बात सुनो, बात एक सुन मिनट यार, बात सुन तुम सूफी बात मेरी सुन बात सुन रहे, सूफी बात सुन, बोल ले भाई, अगर वो लोग अभी इस्लाम सुन, के बोल, खिलाफ खड़े हुए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे, वरना ये नहीं माना जाएगा कि वो इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए थे। हो गया, हम बोल लें, बोल हाँ बोलो, लें, हम बीच में ना टोकना, जल्दी बोल ठीक है? भाई, जल्दी बोल। रुक जा, सुन लो, तुम ये समझ रहे हो कि ये दोनों वाकयात अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, जबकि ऐसा नहीं, ये दोनों एक ही वाक्य है। एक को सिर्फ मुर्तद का जिक्र किया गया है, फिर बाद में दूसरे वाक्य में ये बताया गया कि उनका आखिर इर्तदा, उनका जो क्यों कहाँ पे इस्लाम से लिखा है किस बता, वजह से कहाँ निकल, अभी पे लिखा है बता, ये हो गया अभी ना, दे रखो दो, मौका दे स्क्रीन दो, पे, स्क्रीन पे फिर वही रखो, बात कर रहे हो, अभी रखो, स्क्रीन अभी पे प्रूफ खोलो, रखो हम दे देंगे। रेफरेंस, जब 5 मिनट के बाद आना, जब रेफरेंस आ जाएगा। हालांकि मुझे वो दूसरी बात पे भी तुमको पकड़ना है, लेकिन तुम चालाकी से अपनी मर्जी से कुछ भी फेंक मारोगे तो तुमको यहाँ पे हम फेंक मारने नहीं देंगे। एक बात जब क्लियर हो जाएगी तब दूसरी बात, आपने रेफरेंस प्रोवाइड करना है कि वो किससे जो है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। दूसरे वाले किस्से में इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है, दूसरे वाले किस्से में तो इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है। तो आप रेफरेंस लेके आइए, रेफरेंस जब आ जाएगा तो प्राइवेट चैट में मेंशन करना और उसके बाद अपनी बात रखना, भाई तुम मजबूरी कर रहे हो, अब सुनना ही नहीं चाहते हो, तो हम तो कोशिश क्योंकि कर रहे तुम्हारे हैं कि पास तुम्हारे दलील मुंह से नहीं अपनी है, बात इस कर, वजह से आ तुमको गया जी हमारे दलील पास, है, आ हमने गया, ये जब इनका दलील इनका दी इनका इनका तुम सुनना नहीं इनका चाहते, ये रुक जा भाई, दलील, इनका रेफरेंस आ गया, रेफरेंस आ गया। मैं मकतबा शामिला, ठीक है, और ये बाबे हुक्म अल मुर्तद, ठीक है, वल मुर्तदा, मुर्तद मेल, मुर्तदा फीमेल, ठीक है। इसके अंदर वही हदीस दी हुई है जो पहले है, इट इज ऑल अबाउट, फिर हदीस अव्वल, क्या करना है तुमने कि तुमने उसको अव्वल कौल किस चीज का है, ये देखिए, देखते हैं मिलके। दिस इज द मेन पैराग्राफ ऑन द थर्ड निकाह, ही शुड आस्क नेवर अपोस्टेसी स्टेम फ्रॉम इट, वगैरह वगैरह हदीस। द फर्स्ट ही इज सेइंग
इकरिमा ने भी कहा है, शख्तानी ने भी कहा है, किसका कहा है? He is saying, it came to me, the son of Ali Talib presented in a chapter that does not punish with the punishment of God from the book of jihad by Sufyan bin Udayya on the authority of Ayyub with this chain of transmission. Ali burned some people and I mentioned there that Al-Khudaini narrated on the authority of Sufyan wording enslavement of the apostate and from the face of the author of another according to Abi Shaba people used to worship idols in secret. वो लोग मुसलमान थे जो बुतों की पूजा करना शुरू हो गए थे छुप छुप के, मुर्तद हो चुके थे. एंड अकॉर्डिंग टू अल तिब्रानी इन द मिडल ऑन द वे ऑफ सुफिया बिन गदेफा अली हैड इनफॉर्म्ड हिम दैट पीपल हैज अपोस्टेसाइज्ड फ्रॉम इस्लाम सो ही सेंट ही फ्लेड देम देन कॉल्ड देम टू इस्लाम बट दे रिफ्यूज्ड. अली ने उनको कहा इस्लाम में वापस आ जाओ लेकिन वो रिफ्यूज हो गए. सो ही डग अप इट और उसने एक गड्ढा खोदा देन ब्रॉट देम स्लैप देयर नेक्स shot them, threw them firewood and burned them and said God and messenger spoke the truth. Janab, ab aap mujhe bataiye, sabse pehli baat, ye jo aapko sara, jo aapka link hai, ye wo keh raha hai? Ye mera link to nahi keh raha? Theek hai. Okay, to ye jo apostate hue the, jinhonne buto ki pooja karni shuru ki thi, unko pakar ke Ali ne jala diya, khadda khod ke, uske andar dal ke, ye kaun log hai? इसकी बात कर रहे हैं इस हदीस के अंदर, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं. वो दूसरा वाक्य है. हाँ तो मैं इस एक मिनट अभी जब से बोल रहा था कि एक ही वाक्य है, अब बोल रहा है कि दूसरा वाक्य है. नहीं, हमने अभी ये तक कहा ही नहीं था. सुनिए, अभी तुमने बोला है दूसरा वाक्य है. हम बता रहे हमने भूतों वालों को नहीं कहा था कि ये वही वाक्य जो हम बयान कर रहे हैं. भूत वाला वाक्य आप एक अलग वाक्य मान सकते हैं. भाई ये आपने दिए स्टार्ट में, आपने दिए स्टार्ट में पहला वाकया जो इस हदीस के साथ है वो यही है. चुप नहीं यार, मैं चुप नहीं करता, बकवास कम यार. इतने तेरी काला की पकड़े गई, ये बकवास कम, मुझे बकवास करने से सख्त नफरत है. ये देखो, वो लोग मुर्तद हुए, अपोस्टेट हुए और बुतों की पूजा करना शुरू हो गए छुप के. उन्होंने ओपनली भी नहीं की साहिल, ये जो अपोस्टेड थे ये ओपन अपोस्टेड भी नहीं थे. इसके बारे में बताओ, इनको क्यों बुलाया? मुझे तो इसके बारे में बता करना. हाँ बोल भाई. ये तो इस्लाम के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे. तू जो इतने देर से बोल की मार रहा था कि इस्लाम बुत की पूजा करना वैसे ही मान, तू भी रुक जा. क्या बता तो रहे हैं यार, बताइए, तुम्हारे जवाब दे रहे हैं. बताओ, इस्लामी जमीन पे बुत की पूजा चाहे सीक्रेट में करो या खुले में करो वो इजाजत नहीं. हाय 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 आए, हाए, 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 हाए. अब हम आगे अपनी बात कर लें. तो उनको अगर इजाजत नहीं है तो उन्हें कत्ल कर दो जो बुध की पूजा कर रहे हैं. हाँ, चला दो उनको. ये नहीं, जब से ये शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था ना, इस्लाम कितना अच्छा है कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं खड़े होते हो तो तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा, यही बंदा बोल रहा था ना इतने देर से. अभी ये अपने अंदर का हरामीपन इसका बाहर निकला कि इस्लामिक जमीन में, इस्लामिक कानून में आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते वरना आपको इसी तरीके से कत्ल किया जाएगा. ये अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था. इसका अंदर का हरामीपन, इसके अंदर का इस्लाम बाहर आ गया लास्ट में. हेलो, बोल भाई. अभी भाई गाली का बात पे बात करो, ठीक है? गाली क्या, गाली से डबल गाली देंगे. ऐसा मजहब जो मुंह में जबान मेरे भी है, ठीक है? हमारे फिर हम भाई बात कर रहे हैं, आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे. बाल के बराबर सुन ले, काहे छटपटा रहे हो यार? हाँ छटपटा नहीं रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं. तुम कह रहे हो गाली काहे दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हैं हम, ऐसी ही समझते हैं. वो मजहब जो हमगार को मारने की बात करता है वो हमारे टट्टे के बाल के बराबर है, उससे भी घटिया है. तुमको मारने में शर्म नहीं आती, हमको गाली देने में शर्म आएगी? भाई कानून है, ठीक है? मेरे बाल पे ऐसे अल्लाह पे लानत है बहन, सॉरी. वो आप जो कहना है प्लस प्लस 18 करोड़ों लानत ऐसे कानून पे करोड़ों लानत. सारे लोग लिखो ऐसे कानून पे करोड़ों लानत.
अबे कानून है ना तो कानून है, कम से कम उस कानून की यहाँ पे जब से तू धोखेबाजी जो कर रहा था, इस्लाम के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा तो ऐसे मुर्तद को कोई सजा नहीं है। कुत्तो झूठो, इसी वजह से ऐसे ये धोखेबाज लोग पे गुस्सा आता है, जो आके साफ साफ जो लिखा है वो बोल के जाता है ना, उन पे गुस्सा नहीं आता है। ऐसे धोखेबाज लोग पे, धोखेबाज लोग पे गुस्सा आता है जो जबरदस्ती का वो चीज जो नहीं है उसको पेश करने की कोशिश करता है। क्या कहा इसने? इस्लामिक मुल्क में, इस्लामिक जमीन पे, इस्लामिक कानून पे आपको बुतों की पूजा करने की इजाजत नहीं है। जब से क्यों छुपा के रखा था? जब से क्यों छुपा के रखा था भाई? मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठा था तू? खैर बस मेरे आने की देर थी। कुछ बोलने भाई, बोल ले भाई, अब तू भी बोल कुछ बोलने हैं। ले, दो और मिनट बोलने धोखेबाजी करने की दो, कोशिश तेरे करना है हमने तो कर ले। कभी धोखेबाजी नहीं की। इस्लाम अगर एक अरे कानून पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे जिना, जिना पहले से डिक्लेयर्ड कानून है इस्लाम में। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि देखो एक इंसान ने जिना किया, जिना करने वाला मुर्तद नहीं होता है, फिर भी वो वाजिबुल कतल है। तो हम ये कह दें कि देखो ये तो इस्लाम भी नहीं छोड़ रहा था, आपने फिर भी इसको कत्ल कर दिया, तो आप कौन रहे? जो इस्लाम में रहे वो भी खुश नहीं, जो इस्लाम छोड़ गया वो यहाँ खुश नहीं। मुर्तद की अभी सजा पहले की कोई बात हो रही लॉजिक थी, ना कि जिना की बात हो रही मुर्तद थी। हम बता रहे हैं, हम मूर्ति पूजा भी बता रहे हैं। मूर्ति भाई पूजा तू इस्लाम में वो एक डिक्लेयर्ड हदीस, कानून है। मतलब नहीं नहीं इस्लाम वही छोड़ बात के आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते? है, मूर्ति पूजा आप इस्लाम की जमीन पे नहीं कर सकते, फिर आपको इस्लाम की जमीन अच्छा छोड़नी ये पड़ेगी। शर्त बताओ कि इस्लामिक जमीन पे नहीं कर सकते। चलो फिर अच्छा से एक, साहिल, एक सीन, नहीं कर सकते तो जमीन से बददखल कर दो। कुरान चैप्टर 5 वर्स नंबर 33, हाँ, बददखल बददखल किया क्यों नहीं जा किया? सकता है, बददखल अली ने करने मारा के क्यों? लिए। अली ने मारा क्यों? अब यार, अब अली ने देख, उस जलाया वक्त क्यों? ये होंगे बताओ, हालात, उस वक्त हालात, क्या मतलब जलाने हालात पे होंगे? अपनी मर्जी से जलाया लात होगा, होंगे, जलाया क्यों? हालात होंगे। बेदखल क्यों कर नहीं, दो नहीं ना, धक्के देके बाहर निकाल उन्होंने दो। शहर बदर उस वक्त करना हालात चाहिए ना, नहीं है। शहर बदर क्यों नहीं किया? हाँ, शहर बदर मुल्क बदर करने करो, का शहर भी बदर ऑप्शन करो। है, मानते हो ना? शहर बदर अरे करने का मानता नहीं ऑप्शन हूं मैं, है, कहता हूँ कि अली ने क्यों नहीं किया? ना? नहीं किया उसने अली ने हराम भाई, पुरा क्यों किया? उनका अल्लाह इश्तेहार है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लानत किया भेज यार। अली पे, अली पे अली पे लानत भेज, लानत उनका भेज, इश्तेहार अली पे लानत नहीं, भेज। उनका इश्तेहार है, उनका इश्तेहार था, उन्होंने जो इश्तिहाद सही का समझा वही इश्तिहाद, किया। एल उन्होंने इश्तिहाद। अगर, अबे इसी तरह इज्तिहाद जो है ना वो कुरान से अगर नस मौजूद हो तो उस पे इज्तिहाद नहीं होता गधे। इज्तिहाद किस पे होता है? जो मसला ऑलरेडी कुरान और हदीस में, उस पे इज्तिहाद होता है क्या? सूफी कितना झूठ बोलेगा? भाई, सर तुम अपनी हमको मर्जी से बोलने जो दोगे लफ्ज तब मिलता है ना, उसे तुम बोलता जा रहा है वो। उसने हमें दो बोलने से जो है ना दोगे? चुप तुम्हें हो लगाई जाओ, हुई है, तुम लोग तुमने यार ट्रस्ट बोलते हो, वेस्ट हम चुप करता हो है। के सुनते हैं, कभी हमको भी तो बोलने दो पूरी बात। अब चल इतने बे, सारे इल्जाम लगाए हो तो हमको एक्सप्लेन करने का मौका भी तो दो, क्या हाँ, प्यारा तरीका है? बच्चा मेरा कितना शरीफ है, कोई इस्लाम इल्जाम लगा का रहा सुन है। ले भाई, अच्छा इस्लाम ये का एक बोल, क्लियर सूफी कानून सूफी 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 सुन, तेरे अली नहीं, की भी पहले बोल। हम एक्सप्लेन अच्छा एक करते हैं साहिल, एक सीन, साहिल एक सीन, एक सीन, नहीं कानून नहीं को। ठीक मुझे है, बताओ कि तुम इंडिया में रहते हो, यहाँ पे हिंदुओं की जमीन है, तुम यहाँ पे अल्लाह की बात क्यों करो? तुम्हें भी जला देना चाहिए अली की तरह। ये इश्तेहाद हिंदुओं की करता हूँ जमीन है, मैं ये इश्तेहाद हिंदुओं की करता जमीन हूँ। है, ये हिंदुओं की हिंदुस्तान, जमीन नाम ही है। हिंदुस्तान है, हिंदुओं की जमीन है, तुम्हें भी यहाँ पे हिंदू जला देना हिंदू चाहिए। कोई तो मजहब का नाम थोड़ी है, हिंदू कोई मैंने मजहब कब का क्या नाम मजहब का थोड़ी है। नाम है? किस किस हाँ तो बहन फिर चोद ने कहा इस मजहब का नाम है? अरे तो फिर मैं हिंदू तुम्हें कह रहा हूँ हिंदू क्या? जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुओं में की रहता है जमीन वही हिंदी है, है, यहाँ वही पे तुम हिंदू जैसे है। अल्लाह की परस्तिश करने वाले को जला देना चाहिए। क्यों नहीं करें? क्यों, कहाँ इश्तेहाद है, लिखा है, कहाँ लिखा है हिंदुस्तान में? इश्तेहाद है। तुम्हारा इश्तेहाद कहाँ है? हाँ तो जलाए क्यों? जलाने का इश्तेहाद कहाँ है? कोई ऐसा कानून तो नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं क्यों है। यहाँ तो कानून क्या, आजादी है, बाहर में सबको अपने बाहर मजहब चोर, पे यहाँ पे चलना कानून की बात हो रही है। अली ने है। कानून के गाली थ्रू कम किया दो, था। अब गाली अरे कम, मेरे लन को हाँ थाम अली ने बहन, तुम कानून जैसे की तरफ बगैरत से लोगों भाई, के ऊपर अली तो दो घंटे कानून की से तरफ जलेबी से बना बोल रहे हो। तो तुमने रहे जो हैं, दो रेफरेंस घंटे दिया से उसमें लिखा जलेबी हुआ क्या है। बना रहे? तुम्हारे कहने पे अब हम दलील ले आए, उस दलील पे भी कौन सी चलना लेके है। आए? दलील पे अगर तुमने जीरा की है तो हमको जवाब कौन देने सी का मौका जरा, दोगे कि नहीं तुम्हें भी दोगे? जला देना चाहिए इसी तरीके से। अरे जीरा की है बे, नहीं जीरा लाला जी, जलाना। लाला जी, साइलेंसर क्या साइलेंसर सुन रहा है साइलेंसर। भाई? लेकिन अच्छा फिर लेकिन मैं एक मोमिन बात भाई, बता, ये तो समझिए ना कि जिस तरह आप कर भाई रहे एक हैं बात बताओ, उस ऐतराज तरह किस दूसरे भी तो कर बात सकते पे हैं है ना। तुमको? दूसरों ने तो नहीं किया। क्या आपको मालूम मुर्तदीन है वाले आपके पे जो ऐतराज प्रोवस्त है, थे, भूत आपके जो, नहीं सूफी परिस्ती पे भाई, आपके ऐतराज जो है। सल्फ सालेहीन थे, क्या आप साबित कर सकते हैं वो कौन थे? मुसलमान थे? हाँ शिजरा देंगे और क्या करेंगे, सजर आपका है शिजरा ही देंगे। और मेरे पूर्वज कुछ भी हो, उससे हमें क्या लेना है?
कुछ भी नहीं, आगे जाके कहीं ना कहीं काफिर ही थे ना, फिर मुसलमान में नहीं, कन्वर्ट हुए, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तो क्या काफिरों ने उनको जला दिया, मार दिया? नहीं, जरूरी नहीं। कौन कहता है कि वो काफिर ही था? डायरेक्ट मुसलमान ही थे पूर्वज आपके? कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल उदय हो सकता है, मुमकिन है कि वो मुसलमान ही रहे हमेशा से। आपके पूर्वज हमेशा से मुसलमान थे, मोहम्मद के तुम्हें नहीं मानना तो ना मानो, मोहम्मद के पूर्वज भी, मोहम्मद के पूर्वज भी बुत परस्त थे। उसके दादे ने, मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद के अब्बे को उबाल बुत के आगे सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी। तो तुम हमें, तुम्हारी अगर लाइन, ब्लड लाइन मोहम्मद से मिलती हो, हालांकि उसका कोई बेटा था ही नहीं, तो लिहाजा मोहम्मद से मिलती काफिर, अगर वो मोहम्मद से मिल भी जाए ना, तो वहां जाके भी तुम दोबारा बुत परस्त बन जाते हो, क्योंकि उसका दादा बुत परस्त था, उसका बाप बुत परस्त था। आइडल वर्शिप पर क्या लिखा है? आइडल वर्शिप इन सीक्रेट। तो भाई बहस को लेके कहां जा रहे हो तुम? बहस लेके कहां जा रहे हो? तमाम बुत परस्त पहले ही बता दिया इस्लाम में कि इसको जला दें और निकाल दें, जला के इसकी लाश को भी नहीं रखना वहां पे इंडिया में, इसकी लाश भी जो है ना वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो फैसला हो जाएगा, कह के लिए तुम फिक्र कर रहे हो, फैसला हो जाएगा बगैर सूफी साहब जरा बुत परस्त की इस्लाम का एक डिक्लेयर्ड कानून है। एक मिनट भाई बोलने दें उनको। हां सर सर, इस्लाम जब कन्वर्ट हुए, इस्लाम का डिक्लेयर्ड कानून है, डिक्लेयर्ड कानून, बुत परस्ती को नहीं बर्दाश्त किया जाता इस्लाम। अच्छा, और उस बंदे को जला दिया जाए? जला दिया जाए, मार दिया जाएगा या जिला वतन किया जाएगा, दो में से। मार अली ने तो जिला वतन नहीं किया, उसने जला दिया, चल दफा हो, निकाल साहिल यार, दो घंटे जिला वतन नहीं है, कहीं नहीं है, बोंगी मार रहा है। बगैरत इंसान, मोहम्मद ने भी जलाया था, बल्कि आंखों के अंदर गरम शीशा पिलाई, शीशे की गरम सुलाखें डाली थी। साहिल यार मैं सीरियसली, तू इतनी देर से इस बंदे से बात कर रहा था, इसके अपने रेफरेंस में खत्म होता था यार। मुझे जैसे बात करके मेरा खून खोल गया, मेरा बीपी हाई हो गया यार, 20 पॉइंट मेरा बीपी ऊपर चला गया यार, नीचे वाला भी 20 पॉइंट ऊपर चला गया और ऊपर वाला 20 पॉइंट ऊपर चला गया, 140 बटा 100 हो गया मेरा बीपी। अच्छा नहीं, ये बात कर रहा था कि ये लोग कहते हैं अगर कि नहीं मोहम्मद साहब ने किया था, बाद वालों को हुक्म नहीं दिया था, तो एक दफा ये कह सकते थे कि नहीं उन लोग दौर के जो काफिर थे वो मोहम्मद साहब को मारने की कोई साजिश वगैरह रच रहे थे तो शायद, लेकिन मोहम्मद साहब ने हमेशा के लिए ये लागू कर दिया कि जो भी दीन को तर्क कर दे उसे कत्ल कर दो, हमेशा के लिए लागू कर दिया था।